भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के अनुसार केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के हितों की पूर्ति के लिए अनाज बड़ी कोठियों में बंद कर दिया है। सरकार रोटी का व्यापार कर रही है, रोटी को तिजोरी की वस्तु बना दिया है। तीनों जन विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ हल क्रांति होगी। शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए श्री गंगानगर जिले के पदमपुर और घड़साना कस्बे में हुई किसान महापंचायतों में टिकैत ने ये विचार व्यक्त किए। महापंचायत में टिकैत ने किसानों के अलावा दुकानदारों और जवानों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसान कृषि औजारों के साथ दिल्ली में संसद तक परेड करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रम में ना रहे कि आंदोलन में केवल किसान ही शामिल है। अब आंदोलन में किसानों के साथ साथ देश का हर मजदूर, व्यापारी, मध्यम व गरीब तबका जुड़ चुका है। ये देश के 90 करोड़ लोगों का आंदोलन बन चुका है। टिकैत ने कहा कि हमने 26 जनवरी को दिल्ली कूच के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने लाल किले मामले को जोड़कर हमारा आंदोलन कमजोर करने की कोशिश की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब हम संसद पहुंचेंगे। घड़साना की नई मंडी में हुई महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, सोनिया मान, योगेंद्र यादव को सुनने के लिए काफी तादाद में किसान पहुंचे। बैठक में माकपा के शोपत राम मेघवाल, अमरा राम, हेतराम बेनीवाल, पवन दुग्गल ने भी विचार व्यक्त किए। मंच संचालन राकेश विश्नोई ने किया।